चैप्टर टू का मंडे टेस्ट है, मंडे कल नहीं, कल कुछ नहीं, कल स्टडी करेंगे बायोलॉजी एंड मैथ्स। इसका डेली टेस्ट, डेली टेस्ट, हाँ मतलब एक न्यूमेरिकल है ना। हाँ चलो एग्जाम्पल 4.7 क्या बोल रहे हैं देखो, डिटरमाइन दी, देखो जहां ए इसको मत देखो अभी, डिटरमाइन दी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब जो भी पूछा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब ए मैक्स फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। के भाई ऐसा तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन होगा, जैसे अभी हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन मोशन तक तो क्या होगा, स्टेशनरी होगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन लगा दोगे, जैसे अभी वो एग्जांपल दिया किसका, वो कार का, कॉइन का और ग्लास का, तो एकदम ज्यादा फोर्स लगा दिया, मतलब एकदम ज्यादा एक्सेलरेशन लगा दिया तो कार तो आ गया और कॉइन नीचे गिर गया, मतलब रिलेटिव मोशन हो गई कार और कॉइन के बीच में, समझ में आया। वो कब होगी, जब बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे, वेरी वेरी लार्ज फोर्स, और वेरी वेरी लार्ज फोर्स की वजह से वेरी वेरी लार्ज एक्सेलरेशन हो जाएगा, उस केस में रिलेटिव मोशन हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि वैसे तो कब तक हम, मतलब कौन सी स्पीड तक हम ले जा सकते हैं ट्रेन को, सो दैट वो जो ट्रेन के अंदर बॉक्स रखा हुआ है वो स्टेशनरी ही रहे। अगर तुम बहुत ज्यादा लार्ज एक्सेलरेशन दे दोगे तो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा तो क्या, वही केस, ये सब केस याद रखना, दो तीन एग्जांपल ही दिए हैं मैंने, ज्यादा नहीं दिए। सो कार आगे चला गया, कॉइन वहीं रह गया, तो वही केस हो जाएगा, ज्यादा एक्सेलरेशन आ गया तो क्या, ट्रेन आगे चली जाएगी और डिब्बा बॉक्स वहीं रह जाएगा, तो ट्रेन आगे जाएगी और बॉक्स वहीं रहा, तो ट्रेन और डिब्बा, अरे यार ट्रेन आगे चली जाएगी और बॉक्स वहीं रह जाएगा। तो देखो ऐसे था पहले, कैसे था कि ये हमारी ट्रेन है और ये हमारा बॉक्स है, अब अगर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन लग गया तो ट्रेन आगे चली जाएगी और ये यहीं रहेगा, ये यही रहेगा, मतलब ये आगे चल रही है, यहीं रहेगा मतलब पहले यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, वो तो मूव नहीं कर रहा है लेकिन ट्रेन मूव कर रही है ना, तो रिलेटिव मोशन आ गई, रिलेटिव मोशन आ गई, मतलब जैसे वो कॉइन अंदर गिर गया था ग्लास में और कार तो बाहर निकल गया, वैसे ही ये यहां पर ही रह जाएगा, मतलब जो कॉइन जहां था वहीं रह गया, नीचे गिर गया, तो वैसे ही बॉक्स जहां था वहीं रह गया और ये कार मोशन में आ गई, वैसे ही ट्रेन मोशन में आ गई। अंडरस्टूड? तो वैसा कौन सा लार्ज एक्सीलरेशन है, हम तो ऐसा चाहते नहीं है कि कॉइन अंदर गिर जाए, हम ऐसा नहीं चाहते कि बॉक्स पीछे टकरा जाए, हम क्या चाहते हैं कॉइन हमारे साथ ही आ जाए, भाई पैसे रखे हुए उसके ऊपर, तो कॉइन हमारे साथ कार के साथ ही आ जाए और बॉक्स भी ट्रेन के साथ ही मूव करता रहे, ऐसे पीछे ना टकरा जाए, ये हम चाहते हैं, तो हम उतना ज्यादा लार्ज एक्सीलरेशन चाहते नहीं है। तो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन तक जा सकते हैं सो देट वो वैसे का वैसा ही रहे, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन के आगे बढ़े तो रिलेटिव मोशन हो जाएगी और ये बॉक्स पीछे टकरा जाएगा, डन। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन सा है जिसके लिए ट्रेन और बॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछा है, क्या पूछा है समझ में आया पक्का? ओके, सो डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, के ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा सो दैट बॉक्स और ट्रेन के बीच में रिलेटिव मोशन ना आए। अगर ये एक्सेलरेशन समझ लो कि 100 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर का है ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तब तक ये बॉक्स स्टेशनरी है, जैसे ही मैं 101 पे पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, ट्रेन और बॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगी। अभी ट्रेन और बॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, समझ रहे हो, जो स्पीड से जा रहा है ट्रेन वही स्पीड से बॉक्स भी जा रहा है, रिलेटिव मोशन के लिए स्पीड में डिफरेंस होना चाहिए, फिर चाहे वो 100-0 हो या 100-1 हो लेकिन डिफरेंस होना चाहिए, यहां पर तो दोनों सेम ही है, समझ में आ रहा है, तो रिलेटिव मोशन नहीं है। तो जैसे ही मैं 101 पे चला गया ट्रेन तो ये रिलेटिव मोशन हो जाएगी, ये पीछे चला जाएगा, ये हम नहीं चाहते, मतलब 101 पे तो हम पहुंचना ही नहीं चाहते, मतलब 100 तक ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया 100, तो एक्चुअल ऐसी कितना एक्सेलरेशन होगा सो दैट ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना आए, रिलेटिव मोशन नहीं लाना चाहते हम, तो क्या चाहते हो, स्टेटिक रहे वो चाहते हो, समझ में आया, तो स्टेटिक रहे वो चाहते हो तो फॉर्मूला भी स्टेटिक फ्रिक्शन का ही यूज करेंगे फिर, क्योंकि हम तो मोशन चाहते ही नहीं है। ओके, सो देखो आगे बढ़ते हैं, ये हमने समझ लिया ए मैक्स, देन आगे
गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू स्टैटिक बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.15. ये कोएफिशिएंट है मतलब डायमेंशन लेस है, उसका कोई यूनिट नहीं होगा. ओके 0.15. तो ये तो अब हमें पता है क्या जो एफ एस मैक्सिमम होगा, एफ एस मैक्सिमम ओके स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा तब तक ऑब्जेक्ट मोशन में आने वाला नहीं है, इससे ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या था म्यू एस इनटू एन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और इक्वालिटी कॉन्स्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. सो दैट इज इक्वल, अभी हमें ये भी गिवन है, ये गिवन है क्या एन, हाँ एन गिवन है क्या. डिटरमाइन दी, क्या बोला है, डिटरमाइन दी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी. तो एन गिवन नहीं है, कोई बात नहीं एन का हम कुछ करेंगे. ओके सो ये तो समझ में आ गया, डन, ये हमारा केस है. अब एफ इज इक्वल टू एम ए से ये एफ एस मैक्स है तो वो क्या हो जाएगा एम इंटू ए मैक्स, डन. एफ इज इक्वल टू एम ए सो ए एम इंटू ए मैक्स दैट इज इक्वल टू म्यू एस और फ्रिक्शन, मतलब ये तो स्टेटिक फ्रिक्शन सॉरी ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, वो तो ऊपर, तो ऊपर कितना लगता है वेट फोर्स जितना, मतलब किसके जितना एम जी जितना, तो एन की जगह हमने लिख दिया क्या एम जी, जितना ऊपर एन लगेगा उतना ही नीचे एम जी लगेगा, वो तो हमने देख लिया था. सो देखो दोनों साइड एम आ गया, तो भले ही मास नहीं गिवन है हमें जरूरत भी नहीं है ओके क्योंकि कट हो जा रहा है. सो ए मैक्स जो हमें ढूंढना है उसका फॉर्मूला बन गया म्यू एस इंटू जी, हमें म्यू एस पता है 0.15, जी बोला है 10 लेने को नहीं बोला तो हम लेंगे 9.8, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी दी 9.8 क्या है मीटर है, तो तुम्हारा आंसर किसमें आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, बोला नहीं है लिया 10 है. ओके सो कोई बात नहीं हम 9.8 ही लेंगे, जब बोलेंगे वो लोग कि भाई यूज जी इज इक्वल टू 10 तब 10 लेना, यहाँ नहीं बोला है लेकिन उन्होंने 10 लिया है देखो, तो 10 लोगे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा ना 1.5, डन. ओके सो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वैसे तो तुम याद रख लोगे भाई इस ये न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना है, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख दो एंड इज इक्वल टू म्यू एस एन और एन की जगह एम जी लिख दो, फॉर्मूला हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, आंसर आ गया, वो आंसर आ गया, मार्क्स आ गया, ठीक है कंसेप्ट समझो, क्योंकि अगर इसको चेंज कर दिया ना कुछ तो कंसेप्ट काम आएगा, ये डिट्टो पूछ लिया तो आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा बहुत भी चेंज किया तो कंसेप्ट समझे होंगे, तो फिर ऐसा रटके गए कि नहीं एफ इज इक्वल टू एम ए कर देना है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इनटू ए करना है, वो से याद नहीं रखना है, कंसेप्ट से आगे बढ़ो, इसलिए तो हमने इतना डिटेल्ड में थियरी देखा. अंडरस्टूड, डन. तो छोटा सा न्यूमेरिकल था हमारा.